गोविंदा पांडे थाना क्षेत्र के गांव धतूरा महंगा नगला में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की जमीन धोखाधड़ी कर बेच दी और जमीन का पैसा लेकर अपनी बूढ़ी मां को मारपीट कर घर से निकाल दिया। इमरती देवी पत्नी स्वर्गीय सुंदर सिंह निवासी धतूरा महंगा नगला थाना मुंडा पांडे ने एक शिकायती पत्र थाने में देकर अपने साथ हुई बड़े बेटे राधेश्याम द्वारा 3.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक थाना पुलिस ने वृद्धा के साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पुलिस इस मामले को पारिवारिक झगड़ा बताकर ठंडे बस्ते में डाले हुए है, लेकिन पीड़ित वृद्धा अपने साथ हुए धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पीड़ित की कोई भी पुलिस बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई सवाल थाना पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस जालसाज को क्यों बचा रही है। नाम ओमकार सिंह। ये मामला सच है और इनके बेटे ने, इमरती देवी के बेटे ने, राधे श्याम ने इनका धोखेधड़ी से जमीन बिकवाई है और जमीन बिकवाने के बाद सारा पैसा खुद ही हड़प लिया। तो गाँव के भी सभी लोग यही चाहते है कि इनका पैसा इन्हें वापस मिलना चाहिए। और जो पैसा इस समय ये जो लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि साहब मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, थाना कोर्ट कचहरी हम सब जगह घूम लिए, लेकिन अभी तक कोई मतलब इनको कोई राहत मिली नहीं है कहीं से भी। थाने में भी गए तो उन्होंने साहब फैसला कराया भाई इनको कुछ दो तो वो कुछ देने को राजी नहीं है, माँ को घर से बाहर निकाल दिया, दुर्व्यवहार करता है। सभी पूरे गाँव के लोग ये बात जानते हैं, मारपीट करता है, उनके साथ मारपीट भी करता है। अब ये हैं उनके छोटे बेटे रघु सिंह, ये उनको जब उन्होंने घर से बाहर निकाला तो ये उनको ले आए। अब अगर ये भी उन्हें अपनी माँ को, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर उसको इलाज ना हो, उसका अगर पैसे के बगैर उसका इलाज ना हो तो वो मुझे लग रहा है कि वो भगवान ही उसको बचा सकता है। बाकी उसका इलाज बहुत जरूरी है। जो इमरती देवी है, लगभग 1.25 बीघा जमीन थी उनके नाम में, 1.25 बीघा या 1.5 बीघा जो भी थी, और उन्होंने जो बेची है वो 1.25 बीघा बेची है लगभग। मेरे पूरा संज्ञान मेरे पूरी आया है, अपने हिस्से की जो बेची है उन्होंने पूरी बेच दी। अब वो माँ का हिस्सा था और बेटे ने पूरा पैसा बिकवा के उससे धोखे से और पूरा पैसा हड़प लिया। अच्छा, क्या उन्होंने मुझे बताया, बोले थाने में भी की थी उन्होंने, थाना मुंडा पांडे गए थे, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो वहाँ की कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और ये बहुत परेशान है। बेचारे माँ को लेके जाते हैं बार बार रिक्शा में, वो पैदल चल नहीं सकती, उन्हें रिक्शा में बैठा के ले जाते हैं और 15 दिन से लगभग इनके साथ ऐसा हो रहा है। हल्का इंचार्ज तो मैं गया, बोले भाई पुलिस का काम ये थोड़ी है कि घर जाकर किसी को पैसे दिलवाए। पूरे गांव के लोग ये कह सकते हैं, आप किसी से भी पता कर सकते हैं, पूरे गांव में किसी से भी ये बात पता कर सकते हो कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जो मैंने कहा वही है, हालांकि झूठ बोलने को कोई आप दूसरे गांव का आदमी कोई बोल सकता है, लेकिन हमारे जो गांव के लोग हैं सबको गांव के लोगों को ज्यादा अधिकतर पता होगा, उनके पड़ोसियों को ज्यादा पता होगा, और कोई अगर झूठ बोलना चाहे तो वो आपसे बोल दे, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कितने पैसे आपके जमीन के थे जो उन्होंने धोखाधड़ी से अपने खाते में कर रखे हैं? कितने पैसे बता रहे? अच्छा, आप तुम पैसे मांगने जाती तो क्या क्या क्या, क्या बोलते हैं वो? पैसा ना दे दे। अच्छा, कहीं आपने तहरीर दी थी क्या? हाँ। कहाँ पर? थाने। अच्छा, क्या किसी ने प्रधान कर दो फैसला करके तो रात को सवेरे करी हमारी? अच्छा, मना कर दिया पैसे देने? अब क्या चाहती हो आप? अब चाहते हैं।